दोस्तों अगर आपको भी हमारी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए तीसरे टी20 मैच में अंतिम 5 ओवर में अपनी बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने 70 रन जरूर लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद आज कप्तान विराट कोहली की कुछ ऐसी गलतियां रही जिनकी वजह से भारतीय टीम चाहकर भी नहीं जीत पाई। साथ ही क्या थे भारतीय टीम की हार के बड़े कारण वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है तीसरे टी20 मैच को हमारी टीम किस खिलाड़ी की वजह से हारी है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला गया तीसरा टी20 मैच भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न बन चुका है, क्योंकि इस मैच में ना तो हमारी टीम की बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही गेंदबाजी और ना ही फील्डिंग, और इन सभी सवालों का जवाब देना भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तीसरे टी20 मैच की शुरुआत भारतीय टीम के टॉस हारने के साथ हुई। इस बीच इयान मॉर्गन ने बड़ी चालाकी से पहले गेंदबाजी करने का ऑप्शन चुना। अब भारतीय टीम के सामने फिर से वही चुनौती आ चुकी थी जो कि पहले टी20 में थी। इंग्लैंड की टीम के सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य बनाना था, लेकिन मैदान में आते ही केएल राहुल जहां 0 पर आउट हुए तो उसके बाद रोहित शर्मा 15 रन पर कैच आउट होकर चल दिए। ईशान किशन भी एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेटकीपर जॉस बटलर को आसान सा कैच थमा बैठे। हालांकि इसी बीच कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम के लिए अर्धशतक भी जड़ा था, लेकिन उनकी ही गलती की वजह से आज मैदान में ऋषभ पंत को भी अपने विकेट से हाथ धोना पड़ा। पारी के लगभग 12वें ओवर के दौरान जब सैम करन गेंदबाजी कर रहे थे तो ऋषभ पंत ने बड़े आराम से 2 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन ओवर थ्रो पर जानकर सिंगल रन लेने की वजह से विराट कोहली की यही गलती पंत पर भारी पड़ गई। ऋषभ पंत का विकेट गिरा और वहीं से भारतीय टीम का डाउनफॉल फिर से शुरू हुआ। पांड्या भी मैदान पर आकर कुछ खास नहीं कर पाए और कोहली की पारी की वजह से भारतीय टीम 154 तक ही पहुंच पाई, और जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो जॉस बटलर ने एक भी मौका नहीं दिया अपने आप को आउट करने का। नाबाद 83 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को सीधा जीत के पास पहुंचा दिया था। वहीं जॉनी बेस्टो ने भी 40 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों नजर डालते हैं भारतीय टीम की हार के सबसे बड़े कारणों पर। तो दोस्तों टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बना टीम की खराब बल्लेबाजी। दोस्तों रोहित शर्मा टीम का हिस्सा जरूर बने, लेकिन वो मात्र 15 रन लगा सके। ईशान किशन 4 रन और केएल राहुल तो 0 पर चले गए। के बाद टीम पर प्रेशर इतना ज्यादा बना कि पंत और पांड्या भी मिलकर कुछ खास नहीं कर पाए और श्रेयस अय्यर भी फ्लॉप रहे। ऐसे में टीम की खराब बल्लेबाजी के चलते हम एक बड़ा स्कोर बनाते बनाते रह गए। इंग्लैंड की टीम यहीं से मुकाबले को जीत चुकी थी। दूसरा बड़ा हार का कारण रहा, और जो कि सबसे अहम भी है, वो था पंत का रन आउट होना। दोस्तों ऋषभ पंत 25 रन चुके थे, आदिल रशीद को लगातार 2 चौके जड़ चुके थे। उससे भी बड़ी बात उनका स्ट्राइक रेट 125 से ज्यादा था, मतलब कि वो 25 से 30 रन और लगा सकते थे अपनी टीम के लिए, लेकिन विराट कोहली के गलत फैसले ने 1 रन के चक्कर में ऋषभ पंत को रन आउट करा दिया। सोशल मीडिया पर लोगों के नजरिए में यही हार का सबसे बड़ा कारण है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरा और हार का सबसे बड़े कारणों में से एक बना भारत की खराब गेंदबाजी। अब की टीम जब भी कम लक्ष्य खड़ा करती है दूसरी टीम के सामने तो आपको पावर प्ले में विकेट लेने होते हैं, लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। 2 विकेट लेने के बाद इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के सामने हमारे गेंदबाज पूरी तरीके से बेबस थे, जिसका नतीजा यह रहा कि जॉस बटलर और जॉनी बेस्टो ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए। ना सिर्फ इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़े शॉट्स लगाए, इन्होंने सिंगल और डबल्स में भी डील किया और अपनी पार्टनरशिप को इतना ज्यादा मजबूत बना लिया कि भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इसे तोड़ नहीं पाया। ऊपर से हर बार की तरह इस बार भी चहल ने सबसे ज्यादा 41 रन खा लिए। दोस्तों चौथा हार का कारण रहा भारतीय टीम की मिसफील्डिंग। आज मैदान में इतनी ज्यादा मिसफील्डिंग हुई कि शायद सीरीज के किसी मैच में नहीं हुई होगी। खुद कप्तान विराट कोहली से कैच छूटा, यहाँ तक कि चहल ने तो एक आसान सा कैच छोड़ दिया था, और जब कैच छूटते हैं तो कहते हैं कि मैच भी छूट जाता है। इन्हीं जीवन दानों का फायदा उठाकर इंग्लैंड की टीम के सर पर से सारा प्रेशर हट गया, वो प्रेशर अब भारतीय टीम के कंधों पर था। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जिससे कि वह जोरदार फाइट बैक कर सके इंग्लैंड की टीम के सामने अपनी गेंदबाजी के दौरान, और फिर इंग्लैंड की टीम ने बड़े शानदार तरीके से चेज किया और इस मुकाबले को 8 विकेट के अंतर से जीता है, ठीक जैसे उन्होंने सीरीज का पहला टी20 मैच जीता था। खैर दोस्तों भारतीय टीम इसी मैदान में दूसरी बार हारी है, वो भी इतने ही बड़े अंतर से, तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है इन सब में से भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या बना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।